आपने लिफ्ट तो बहुत सी देखी होगी और संभव है आप बहुत से लिफ्ट में चढ़े भी होंगे, इसीलिए आपको ये भी पता होगा कि लिफ्ट किस तरह से ऑपरेट करती है, जिसमें कई तरह के लोहे के मजबूत तार और पुली का अरेंजमेंट होता है। इस हिदायत के साथ ही इस लिफ्ट में मैक्सिमम इतने लोग ही सवार हो सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ऐसे ही किसी लिफ्ट से इंसान ऊपर जाते हुए स्पेस यानी कि अंतरिक्ष तक पहुंच सके? आप कहेंगे हम क्या बेसिर पैर की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि आज के समय में टेक्नोलॉजी के लिए काम करने वाले कुछ देशों और कंपनियों के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके पूरे होने की संभावना भी ये लोग देख रहे हैं। इसलिए आज इस बात पर लोगों का ध्यान जाना जरूरी है कि कोई दिन ऐसा भी आने वाला है जब एक लिफ्ट के सहारे इंसान अंतरिक्ष जाएगा। लेकिन इस लिफ्ट के साथ भी जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है वो आपके होश उड़ा देगी, और आप ये मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि महज एक पतले से केबल के सहारे एक लिफ्ट अंतरिक्ष तक भेजी जाने वाली है। आखिर क्या है ये केबल और कैसे तैयार होने वाली ये लिफ्ट, आज के वीडियो में हम आपको यही तो बताने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज के समय में मनुष्य और अंतरिक्ष का प्रेम देखने को आए दिन मिल ही जाता है, लेकिन इसी में विज्ञान और तकनीकी की मदद से इंसान एक नया ख्वाब देखते हुए दिखाई दे रहा है। आज जापान के कंपनी ने यह दावा कर दिया है कि 2035 तक इंसान अंतरिक्ष तक लिफ्ट से जाएगा। इसके लिए इन्होंने जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा है, उसमें उन्होंने इतनी लंबी केबल बनाने के बारे में सोचा है जो धरती से अंतरिक्ष तक की लंबाई की हो, जिसे प्रैक्टिकली अभी बहुत से लोग नामुमकिन मानते हैं। लेकिन अगर एलन मस्क का ही एग्जाम्पल लें तो वो कहते हैं एक बार को लॉस एंजलस में टोक्यो तक इंसान को एक केबल की मदद से भेजा जा सकता है, लेकिन स्पेस तक के लिए इतनी लंबी केबल बना पाना बड़ा मुश्किल है। पर जापान की कंपनी ने उनकी सोच को दरकिनार करते हुए इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। अब हम आपको इस लिफ्ट वाली टेक्नोलॉजी को समझाएं तो वो कुछ ऐसी होगी जिसमें केबल जो पृथ्वी से होते हुए उसके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक लंबी होगी, जिसकी लंबाई करीब 1,00,000 किलोमीटर होगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी केबल है जो इतनी लंबी होते हुए भी इतनी मजबूत होगी, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं ये कोई आम केबल नहीं होगी, बल्कि शिजुका यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस स्पेस एलिवेटर प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी का कहना है कि इस एलिवेटर के लिए वो कार्बन नैनोट्यूब तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मजबूती स्टील से 20 गुना ज्यादा होगी। इससे लिफ्ट का मेन शाफ्ट भी तैयार होगा। इस पर ही खिसकते हुए स्पेस एलिवेटर लोगों को 60,000 मील यानी करीब 96,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा। इस केबल के स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखें तो इसमें कार्बन एटम्स फुटबॉल की तरह आपस में बॉन्ड बनाकर एडजस्ट रहते हैं। और इस केबल की जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो इस पूरे केबल को दुनिया की सबसे मजबूत केबल बनाती है, वो ये है कि ये केबल अपने सिरों पर भी ओपन नहीं होती है, जिस कारण ये टूटती ही नहीं। साथ ही IAA यानी इंटरनेशनल एकेडमिक्स ऑफ एरोनॉटिक्स ने भी इस बात का दावा किया है कि इस केबल की मदद से करीब 20 टन का वजन अंतरिक्ष तक भेजा जा सकता है। अगर ये केबल इतने दूर तक भेजा जाएगा तो इसके दोनों सिरों को 2 मिलियन किलोग्राम के एंकर से बांध दिया जाएगा। अंतरिक्ष में एलिवेटर केबल को सपोर्ट देने के लिए 2 बड़े सैटेलाइट्स मिलकर एक बेस स्टेशन तैयार करेंगे जो एलिवेटर सिस्टम के पूरे वजन को सहने में सक्षम होगा। अगर ऐसा होता है तो इंसान और अंतरिक्ष के रिश्तों में भारी बदलाव आएगा। लेकिन यहीं पर एक बात आती है, इस लिफ्ट से अंतरिक्ष तक जाने में टाइम कितना लगेगा? तो जो शुरुआती कैलकुलेशन है उसके हिसाब से करीब 10 दिनों में इंसान धरती की सतह छोड़कर अंतरिक्ष तक पहुंच जाएगा। यानी 10 दिन में एक इंसान जमीन से अंतरिक्ष तक पहुंचकर वहां धरती को घूमते हुए बड़ी आसानी से देख सकता है। साथ ही अगर प्रोजेक्ट पूरा होता है तो अंतरिक्ष में 1 किलोग्राम सामान ले जाने की कीमत को $20,000 से घटाकर $500 कर देगा, जिससे अंतरिक्ष तक जाना बहुत सस्ता हो जाएगा। आइए अब ये देखते हैं इस केबल से एलिवेटर को ऊपर कैसे पहुंचाया जाएगा। तो इसके लिए पहले आप ये समझिए, जो भी रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के पार जाने की कोशिश करता है वो पहले तो सीधा उड़ता हुआ जाता है और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे मुड़कर पृथ्वी के ही चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। लेकिन रॉकेट को इस तरह तिरछा घूमने के लिए एनर्जी और फ्यूल की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर बात स्पेस एलिवेटर की करें
तो इसमें सिर्फ कार्गो को नीचे से ऊपर भेजने में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद ये जब स्पेस के अपने आखिरी पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये ऐसी हाइट पर पहुंच चुका होगा कि वहां से जरा सा धक्का देने पर ही वो कार्गो अर्थ के ऑर्बिट को चक्कर लगाना शुरू कर देगा, और इसके लिए उसे जरूरी फोर्स पृथ्वी की ग्रेविटी से ही मिल जाएगा और वो उसकी मदद से ही घूमने लगेगा। इसी घूमने के कारण ही वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर भी जा सकता है और इस तरह से मंगल और चांद पर जाना भी बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि स्पेस एलिवेटर के बारे में हम सिर्फ आज ही सोच रहे हैं, बल्कि दुनिया में स्पेस एलिवेटर का सपना सदियों से देखा जा रहा है। साल 1895 में रूसी वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिन सियोल्कोवस्की ने पेरिस के एफिल टावर को देखने के बाद पहली बार स्पेस एलिवेटर बनाने का विचार किया था। इसके करीब 120 साल बाद अब अंतरिक्ष ले जाने वाली स्पेस एलिवेटर का शुरुआती ट्रायल शुरू हो चुका है। जापान के इस मिनी एलिवेटर टेस्ट के दौरान अंतरिक्ष में दो मिनी सैटेलाइट्स के बीच एक 10 मीटर का स्टील केबल लगाया जाएगा, जिस पर ये मिनी एलिवेटर कंटेनर एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करेगा। शिजुका यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक ने बताया है कि अंतरिक्ष में एलिवेटर मूवमेंट का ये टेस्ट वाकई में दुनिया में पहली बार होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर ये टेस्ट सफल हो जाता है तो जापानी वैज्ञानिकों की टीम का मुख्य फोकस स्पेस एलिवेटर को विकसित करने पर चला जाएगा। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत को देखें तो वो लागत इतनी है कि उसे कोई यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करवा सकती। अगर हम इसको देखते हुए एक स्पेस एलिवेटर को पूर्ण रूप से बनाने की बात करें तो सब जोड़कर कुल 6.2 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत आएगी। खैर, अभी भी जापान का यह सपना बहुत ही मुश्किलों से गुजरने वाला है, क्योंकि स्पेस एलिवेटर कोई लोकल काम नहीं है, बल्कि इसमें कई सारे देशों की मंजूरी और बाकी देशों के आसमान के हिस्सों में कोई दखल ना हो ये भी देखना होगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि जापान इसे सिर्फ अपने बल पर बना ले। ऐसे में चीन जैसे देश आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध जरूर बताएंगे। खैर, बतौर मनुष्य तरक्की ही आखिरी मुकाम होना चाहिए, इसलिए अगर ये प्रोजेक्ट किसी भी तरह से संभव है तो बिना किसी विवाद के सभी देशों से मंजूरी मिली जानी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, अगर स्पेस तक जाने के लिए एक लिफ्ट बन जाती है तो इंसानी जीवन में क्या सुधार आएगा, हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना।